हेलो दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ घुइयां, इसको अरुई भी कहते हैं। तो ये मैं आज कच्ची बनाऊंगी। इसको देखिए, मैं छील रही हूँ और छीलने के बाद मैं इसको बनाऊंगी। तो ये आज मैं बिल्कुल ही कच्ची, एक बार भी इसको थोड़ा बहुत उबाला उबाला नहीं है, आज ग्रेवी वाली बनाएंगे। तो ये देखिए, कुकर चढ़ा हुआ है। देखिए, हम डाल देते हैं कुकर में तेल, गैस चल रही, मेरे तेल पड़ गया है। अब देखिए, तेल मेरा गरम हो चुका है। तो अब इसमें हम डालते हैं, 2 मिर्च है, मेथी है, सौंफ है, अजवाइन है। देखिए, मेरे मसाले भून गए हैं, ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए, नहीं इनकी महक निकल जाएगी। तो मसाले भून गए, इसमें डालते हैं, देखिए, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। धीरे धीरे पका लेते हैं जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए, लहसुन प्याज मेरा भून गया है। अब इसमें डाल देते हैं ये अपने मसाले जो मैंने पहले से घोल के रखे हुए हैं। को भी थोड़ा भूनते हैं। इधर देखिए, मेरी चाय चढ़ी हुई है, इसमें डाल देते हैं दूध। और ये देखिए, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां, गुलाब का फूल है। मुझे गुलाब की पत्ती और संतरे के छिकले की चाय बहुत अच्छी लगती है। आप अपना बताइएगा, किस किस तो गुलाब की पत्ती की चाय अच्छी लगती है, बहुत ही इतनी अच्छी महक आती है। आप एक बार जरूर बना के पिए मेरे कहने से, अगर आपने नहीं बनाई तो। गुलाब के पत्ते और संतरे का छिटला, दोनों बहुत ही स्वाद देते हैं। देखिए, मसाला भून रहा मेरा। देखिए, चाय भी मेरी बन चुकी है। गैस बंद कर देते हैं, इधर की भी गैस बंद कर देते हैं, चाय को छान लेते हैं। ये चाय छन गई। अब देखिए, ये मसाला मेरा भून गया है, इसको हम इधर रख देते हैं। इसमें चढ़ा देते हैं पैन, जिसमें थोड़ा सा हम अपनी जो घुइयां है उसको फ्राई कर लेंगे। कच्ची है। अब आप इसको किस तरह से काटना पसंद करते हैं? हम तो ये रसे वाली घुइयां में गोल गोल ही पसंद करते हैं, देखिए, और बड़ा बड़ा पीस। आप जब भी बनाएं रसे वाली तो ऐसे बनाएं, पतली वाली फाकों से ये ज्यादा अच्छी लगती है। देखिए, आधा आधा इंच व्यास के काट लीजिए। बस ऐसे ही हम काट लेते हैं। इसमें डालते हैं तेल। आप जो भी तेल खाते हो, ये तो सरसों का तेल है, लेकिन सब्जियां सरसों के तेल में ज्यादा अच्छी लगती हैं। ऐसे से काट के सब गोल ही काटेंगे हम।
लिपलिपी होती है, हाथ से पकड़ने डिस्टर्ब करती बार बार, बहुत लिपलिपी होती है, तो संभाल के काटे नहीं, चाकू भी लग सकता हाथ में। तो ये देखिए तेल मेरा हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं गैस को स्लो करते हैं, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे। ये तो पड़ गई हींग, अब हो गई इसमें राई। राई तड़कने लगे, अगर राई तड़केगी नहीं, कच्ची रहेगी तो कड़वाती है। अब देखिए राई तड़क गई है, अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, यानी कम से कम 50% ये कुक हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और जरा सा नमक, मिर्च, गैस स्लो है, इसको हम ऐसे ही थोड़ा फ्राई कर लेंगे पलट पलट के। देखिए जब ब्राउन चिटकियाँ आ जाए तो समझ लीजिए कि पक गई है। ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, आप सूखी भी बनाइए, बिल्कुल इसी स्टाइल से बनाइए। आप कैसे बनाते हैं आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है हमारी समझ में। तो अभी घुइयां हमारी भून चुकी है, अब इसको हम गैस को इधर रखें, ये मसाला है, मसाले में हम डाल देते हैं गर्म पानी, पानी हम हमेशा खौला के रखते हैं। ये देखिए मैंने दही फेंट लिया है, ये दही फेंट लिया, दही में ही हम डाल देंगे एक चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है। और डालेंगे हम ये देखिए हाफ स्पून चिकन मसाला। मेरा अलार्म बज रहा है बीपी की दवा के लिए, सारी दोस्तों डिस्टर्ब हो रहा है, हम बंद करते थे, अलार्म फिट है इसमें तो मुझे टाइम बताता है कि अब आप दवा खाइए बीपी की, एक बात सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है, गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, चाहे तो आप बंद ही कर दें। ये देखिए अब इस मसाले में इसमें हम ये दही डाल देते हैं और दही डाल के इसको चला देते हैं जिससे ये फटे ना। इसको चलाते रहिए जब तक ये फदकने न लगे, गैस मैंने बंद नहीं की थी, बिल्कुल स्लो किया था। तो अब इसमें पानी भी डाल देते हैं थोड़ा सा, और आप गैस जो धीमे ही रखेंगे, ऐसे इसको चलाते रहेंगे कि जिससे ये फटे नहीं। और इधर हम अपनी चाय भी पी लेते हैं। अब देखिए दही मेरा जो है, देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। तो अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं इसी स्टेज पे नमक। नमक आप कभी जब दही डाल के सब्जी बनानी हो तो नमक पहले से ना डालें। हमने थोड़ा घुइया में भी नमक डाला है, इसलिए थोड़ा कम डाला है नमक में। और फिर नमक तो स्वाद के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होगा। इसमें किनारे किनारे तेल जो है रिलीज हो रहा है। अब इसी समय पे हम ये डाल देते हैं, देखिए हमारी अरुई घुइया, चला देते हैं, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार होगी। ये देखिए
पनीर पनीर आप सब लोग कहते हो, सभी लोग कहते हैं पनीर, ये अपनी देसी सब्जियां पनीर से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। ये देखिए, चलिए अब इसको इसको धुल के मैं इसका पानी डाल देती हूँ, जिससे इसका तेल हो सब इसी सब्जी में चला जाए। फिर इसमें लगा देते हैं एक प्रेशर, ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, अगर ज़्यादा खानी है थोड़ा चावल वावल से तो थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा कर दें, क्योंकि घुइयां पकी हुई है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक सीटी में ही घुइयां पक जाएगी हमारी, क्योंकि गर्म पानी है इसलिए बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत बंद हो जाए। देखिए अब सीटी लगा देते हैं, चलिए देखते हैं सब्जी। देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है, अब इसमें हम डालेंगे देखिए थोड़ा करी पत्ता और हरी धनिया है, और इसी में डाल देते हैं ये गरम मसाला, गैस को थोड़ा जला देते हैं, जरा गरम मसाला, जब भी गरम मसाला डालें तो थोड़ा एक सेकंड के लिए आँच जो है जरूर जलाएं। देखिए आपको पता नहीं होगा कलर कैसा दिख रहा है, बहुत ही ये देखिए डिसेंट कलर दिख रहा है। तो चलिए अब हम गैस, ये उबल गया है मेरा गरम मसाला, अब गैस को बंद करते हैं और सब्जी आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए हरी धनिया, ये देखिए आपको हमारी सब्जी कैसी लगी प्लीज, ये देखिए ये घुइया की ग्रेवी वाली सब्जी है, ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ी खुशबू आ रही है इसमें, तो आप भी बनाइए और परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।